कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर बंटवारे की बात नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी महंगाई पर बात करने की जगह आज अपने बयान में मर्यादा की सारी सीमाएं लांग दी है। हार के इस बौखलाहट के बीच देश का चुनाव आयोग कहां है? क्या देश में आचार संहिता लागू है? प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को? चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ, उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है?